ये है इलेक्ट्रिकल का बोर्ड। अभी इसका पूरा वायरिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा, बहुत ही इजी है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप खुद ब खुद घर में कर सकते हैं इसका कनेक्शन। अभी मैंने ये पूरा एक फ्यूज लगाया है, एक इंडिकेटर लगाया है, और ये रेगुलेटर है फैन के लिए, और ये दोनों स्विच है, एक लाइट के लिए बाहर चला जाएगा और ये एक फ़ैन के लिए रह जाएगा, ठीक है। और ये वाला स्विच इस सॉकेट के लिए, ये वाला स्विच इस सॉकेट के लिए। अभी देखिए पूरा वीडियो बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर ये रेगुलेटर लाइन जगाना है, इसे कनेक्शन करना है मेन लाइन, और ऊपर वाले से आउट वाला लाइन निकलेगा। तो बहुत ही ईजी है, आप चाहें तो आराम से घर में कर सकते हैं खुद। अभी मैं ये रेगुलेटर का कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ से रेगुलेटर से बाहर का जो फैन का वायर वो निकल जाएगा इसमें जोड़ के, और एक अर्थिंग। तो ये इसमें लगाना है और यहाँ से इसको कनेक्शन देना है। तो पहले इसको ढीला कर लेंगे नीचे वाले स्विच के नीचे वाले सेक्शन को। अभी इसको मैं इसे लगा देता हूँ, इसमें कनेक्ट हो जाएगा मेन लाइन। ये मैं इसको खाली रखा हूँ, इंसुलेशन निकाल दिया इसका। अभी ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये जितने भी स्विच है ना, सभी स्विच को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, ठीक है। ये स्विच में कनेक्ट किया, अब मैं इस स्विच से इस स्विच में लूँगा। मैंने ये वायर काट लिया है। इसको मैं इसके साथ में अंदर डाल दूँगा दोनों को, और इसको टाइट कर दूँगा। ध्यान से देखिए, बहुत ही ईजी है स्विच बोर्ड का कनेक्शन। आप आराम से घर में आप स्विच बोर्ड ले आके कर सकते हैं, क्योंकि दुकान वाले लोग इसका भी चार्ज ले लेते हैं 50-100 रुपये जो भी है, तो वो आपका बच सकता है। अभी इसको ये मैंने कनेक्ट किया, ये देखिए ये 2, 3, 4 स्विच जो है, ये चारों स्विच कनेक्ट हो गए। अभी मेरे को करना क्या है, इस स्विच से इंडिकेटर में देना है, क्योंकि इंडिकेटर में भी एक लैंप चाहिए। इंडिकेटर को जलने के लिए जुड़ा रहे जो कि वो डायरेक्ट ही रहना चाहिए, कि लाइट आए तो उसके बाद लाइट आने के बाद अभी क्या होगा ना, इसमें अगर लाइट आएगा इंडिकेटर जलेगा, बाकी नीचे सभी स्विच में करंट पास हुआ रहेगा, सिर्फ आपको स्विच देना है, स्विच देने से आपका बोर्ड चालू। मैं इसको भी ऐसे कनेक्शन कर लेता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ मैं इंडिकेटर में एक लाइन डाल देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे ये फ्यूज है, फ्यूज से इंडिकेटर में डालना, क्योंकि फ्यूज में मैं यहाँ पे लाइन मेन लाइन डालने वाला हूँ। अब ये फ्यूज में मैं इस वायर को कनेक्ट कर दिया, इंडिकेटर में कनेक्ट, और ये फ्यूज में भी कनेक्ट हो गया। ये पूरा सिस्टम आपका मेन लाइन, यहाँ पे मेन लाइन डालूंगा बाहर से, तो यहाँ फ्यूज के अंदर वायर डालेंगे पतला सा, उसके बाद यहाँ से पूरा वायर कनेक्ट है, मेन लाइन सब में रेडी है। अब ध्यान से देखिए आप करना चाहिए। सबसे पहले ये जो है, ये सॉकेट है, इसमें एक अर्थिंग एक न्यूट्रल, ये एक अर्थिंग एक फेस का जरूरत है, मतलब न्यूट्रल और फेस, इसमें भी एक न्यूट्रल एक फेस की जरूरत, ठीक है। तो फेस तो मेरा स्विच के ऊपर वाले हिस्से से आ जाएगा, यहाँ से ये दोनों के लिए, अर्थिंग के लिए मुझे ये दोनों कनेक्ट करना है। मैं इसको कर लेता हूँ,
मैं इसके न्यूट्रल से इसमें देखिए यहाँ पे सॉकेट में बड़े वाले में एन से न्यूट्रल एल से मेन लाइन लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहा है न्यूट्रल और लाइन मतलब फेस। तो यहाँ पे न्यूट्रल वाले को न्यूट्रल में डालना है, फेस वाला इस सूच से यहाँ पे आएगा ऐसा। अर्थिंग भी आप एक्स्ट्रा डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं इसमें, ये मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया। अब एक वायर मैं इस सॉकेट में भी, सॉकेट में जितना भी न्यूट्रल है वो न्यूट्रल भी कॉमन रहता है या किसी भी चीज़ के लिए, फैन हो या लाइट हो या सॉकेट हो, तो ये मैं इसको डाल दूँगा। अब इसको वायर को अच्छे से थोड़ा सेटिंग कर देंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस अर्थिंग से मुझे यहाँ इंडिकेटर में भी अर्थिंग चाहिए, तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दूँगा। वायर का कलर आप कोई भी डाल सकते हैं, अगर फेस का अलग कलर डालना चाहते हैं रेड येलो ब्लू तो वो भी डाल सकते हैं, और न्यूट्रल के लिए ब्लैक डाल सकते हैं या ग्रीन डाल सकते हैं अगर आपके पास वायर हो तो, नहीं है तो आप कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। अभी मेरा काम क्या है, मेन लाइन यहाँ पे, मेन फेस यहाँ, मेन अर्थिंग यहाँ से निकाल देंगे, तो ये आपका बोर्ड मतलब नॉर्मल सब लाइट आ जाएगा, इंडिकेटर भी जल जाएगा। तो फेस के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, तो ये मेरे पास वायर है, मैं इसको न्यूट्रल के लिए यूज़ करूँगा। गांव वाले बोर्ड में न्यूट्रल मतलब अर्थिंग हो गया, ठीक है। तो ये मैं इसको इसमें ही कनेक्ट कर देता हूँ। ढीला करके इसमें ऐसा वायर डालना है कि टनाने पर भी निकले ना, ठीक है। तो ये मैंने अर्थिंग में कनेक्ट कर दिया, अभी मैं पूरा बोर्ड जला के देखाऊंगा, ठीक है। ये वायर थोड़ा लंबा है, इसको मैं काट देता हूँ, क्योंकि जो बोर्ड लेके जाते हैं वो पुराना वायर लगाते हैं, ये सिर्फ दिया जाता है इसलिए देखने के लिए कि पता चले अर्थिंग, और बड़ा भी वायर डाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे फ्यूज में ये मेन लाइन डाल दिए, ठीक है। इसको भी वायर में इतना रख देता हूँ यहाँ पे, ये आपका दो मेन लाइन निकल गया, इसमें अर्थिंग कनेक्ट होगा, इसमें मेन लाइन फेस कनेक्ट हो जाएगा, तब आपका ये बोर्ड पूरी तरह से चालू हो जाएगा। ये मैं चालू करके दिखाता हूँ अपना इंडिकेटर जला के, सर्किट में लगा देते हैं लसा वायर। ये वायर को मैं यहाँ पे ऐसा घुमा के इसको टाइट कर दूंगा, ठीक है। आप भी इसी तरह से कीजिएगा, ये हो गया फ्यूज में कनेक्शन। अभी इसको क्या करता हूँ, मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, इसको लगाया तो अब ये रेडी हो गया। अब यहाँ पे आपको लाइन फ्यूज में इसमें सर इंडिकेटर में सॉरी दिख जाएगा आपको जब तक, ये देखिए लाइट आ गई, ठीक है, मतलब ये बोर्ड रेडी है, अब सिर्फ कनेक्शन करना है। तो मैं अभी सबका वायर निकाल देता हूँ जहाँ यहाँ पे जाना है। अभी ये वाला सॉकेट है 2 पिन, इसके लिए मुझे अर्थिंग तो दे दिया मैंने, अगर फेस देना तो इस स्विच से मैं कनेक्ट करूँगा, तो यहाँ से यहाँ वायर सिर्फ ज्वाइन करना है। यहाँ से इसको कनेक्शन कर दिया, इस स्विच से ये कनेक्शन हो गया, मतलब ये चालू हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, अभी इस सॉकेट का मुझे, इस सॉकेट का ही मैं
एक अर्थिंग तो डाल ही दिया, एक फेस इसमें इस स्विच से निकाल के डाल दूंगा। ये मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये हो गया इस सॉकेट में भी कनेक्ट, ठीक है। ये आपका इस स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा, इस स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट होगा। ये स्विच देने से यहाँ पे लाइट आ जाएगा, ये स्विच देने से यहाँ, ठीक है। ये बच गया, ये फैन का तो मैं दे दिया हूँ इस स्विच से, ये स्विच भी बचा, इससे मैं निकाल देता हूँ लाइट के लिए बाहर। तो हमें इतना इतना बड़ा दो वायर, ठीक है, ये दो वायर है। ये मैंने ले लिया ज्वाइंट करके वैट वाले को, मैं डाल दूंगा किसी भी एक अर्थिंग। अभी यहाँ पे मेरा खाली है एक, यहाँ पे डबल वायर है, यहाँ पे भी डबल है, यहाँ पे एक सिंगल है, तो मैं इसमें ही डाल देता हूँ। आप किसी में भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं या इस तरफ भी डाल सकते हैं सॉकेट में, या इंडिकेटर में भी डाल सकते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर जगह है, मैं इसको इसके साथ में डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया अर्थिंग का वायर, बचा ये स्विच से डालने के। तो ये वाले वायर को मैं स्विच में डाल देता हूँ, तो इससे क्या होगा, बल्ब आपका इसी स्विच से ऑपरेट होगा। ये देखिए, ये हो गया कंप्लीट बल्ब का कनेक्शन। अब बच गया ये फैन का, क्योंकि फैन का तो मैंने स्विच डाला है यहाँ। स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे तो रेगुलेटर में लाइन आएगा, लेकिन रेगुलेटर को जब डीमर को ऊपर नीचे करेंगे, या कटकट वाला होगा तो किटकट वाला उसको ऐसा करेंगे, तब यहाँ लाइट आपका जाएगा। तो उसके लिए क्या करना, मुझे ये वाला वायर को इसमें ज्वाइन कर देना। तो मैं इसको ऐसा ज्वाइन कर देता हूँ और यहाँ पे टेप मार देता हूँ। आप अंदर में कनेक्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये टेप मार दिए, ये हो गया फाइनल। अब ये दो वायर को काट देता हूँ, पता भी चले कि दोनों अलग अलग है, पता नहीं चलता किसी को। तो ये हो गया आपका, ये फैन का वायर इससे निकल रहा, ये लाइट का वायर, ठीक है। और ये मेन लाइन भी करूँगा, ये बोर्ड है इसका, ठीक है। इस बोर्ड पे इस बोर्ड को फिक्स कर दूँगा, क्योंकि अब अंदर का काम कुछ भी नहीं है, अब जो कुछ भी है बाहर से कनेक्शन देना बस। तो मैं इसके वायर निकालने के लिए मैं यहाँ पे होल कर लेता हूँ, सीट है बोर्ड, तो इसमें होल हो गया आराम से। देखिए ज़्यादा वायर है तो डबल कर सकते हैं। ये मैंने डबल कर लिया, ठीक है। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। मैं एक से इस चारों को निकाल लूँगा, मैंने ऐसा सेट करने के लिए निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा वायर भी निकल गया। अंदर में ऐसा वायर रखें कि थोड़ा लूज हो, ज़्यादा टाइट नहीं, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से, ज़्यादा लूज भी नहीं रख सकते, ज़्यादा है ऐसे बोर्ड में आप रख सकते हैं कोई भी। ये बोर्ड मेरा रेडी, ये स्क्रू मैंने ले लिया और इसको करते हैं टाइट। ये एक फैन के लिए, एक बल्ब के लिए, और ये दोनों में से ये मेन लाइन, ये अर्थिंग, ये हो गया बोर्ड रेडी। अभी मैं इसको आपको ये प्लग में देखता हूँ लाइट आता है कि नहीं, ये दोनों स्विचेस की, ठीक है। ज्वाइन कर लेता हूँ इसको चेक करने के लिए कि हमारा बोर्ड सही है या नहीं, ठीक है। थोड़ा दूर रखना इसको, टच ना हो। ये देखिए इसमें लाइन आ चुका है, ठीक है। अब ये सॉकेट में देखता हूँ स्विच ऑफ करके। ये हो गया वायर, इसमें प्लग भी लगा के चेक कर सकते हैं सेफ्टी के लिए। स्विच बंद करता हूँ, ये इसमें मैंने वायर डाल दिया। अब मैं ये लाइट जल गया, ठीक है। ये स्विच से ये सॉकेट कंप्लीट। अभी ये सॉकेट देखते हैं, ये सॉकेट है, मैंने वायर डाला, ये भी
चलिए ठीक है ठीक है। इसमें सारा मैंने एंकर का लगाया है स्विच। तो घर में कभी भी बोर्ड उड बनाएं या बोर्ड उड अपना खुद खरीदें तो कभी भी अच्छा पैसा थोड़ा 2-4 रुपये ज़्यादा लगता है तो एंकर का पूरा सामान स्विच ऑफ कर देते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होता और 10-5 रुपये वाला स्विच जो होता है जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो फायदेमंद के लिए। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें जब तक।